दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डीडीएम इंटरनेशनल स्कूल गोंदपुर बनहेड़ा। ऊना में शराब व्यापारी के कार्यालय में पिस्तौल की नोक पर 9 लाख रुपए की लूट मामले में अंतरराज्य गिरोह का हाथ रहा है। पुलिस ने इस मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतरराज्य गिरोह की एक महिला सहित 3 सदस्यों को हथियारों के जखीरे के साथ हिरासत में लिया है। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि वारदात हिमाचल जैसे शांत प्रदेश के लिए एक अप्रत्याशित सनसनीखेज आपराधिक घटना थी। हिमाचल पुलिस ने इसको गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच की। ऊना व बद्दी पुलिस की 14 सदस्यीय टीम ने चंडीगढ़ के सेक्टर 49 में एक फ्लैट पर दबिश देकर वहां से एक महिला और 2 युवकों को हिरासत में लिया। इनके कब्जे से 4 पिस्तौल, 4 मैगजीन, 98 जिंदा कारतूस, 1 लैपटॉप, 1 टैब, 6 मोबाइल और 2.28 लाख रुपए नकदी बरामद की। मामले की जाँच लगातार जारी है। ऊना पुलिस को जिला के 9 लाख के लूट मामले में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, किस तरह से इस पूरे मामले को जो है वो क्रैक किया गया है? देखिए, 15 मार्च को यहाँ पे एक ऊना शहर में एक बड़ी वारदात हुई थी जो कि काफ़ी सेंसेशनल थी, जिसमें कुछ 4 लोगों ने एक गाड़ी का यूज़ करके यहाँ पे एक लोकल शराब कारोबारी है के वाइन्स करके वहाँ पे 9 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था और उसके बाद जो है ये अपनी गाड़ी लेके यहाँ से फरार हो गए थे। उसके इमीडिएटली बाद जो है एडिशनल एसपी ऊना की अध्यक्षता में जो है टीम्स गठित की गई और उन्होंने लोकल एरिया के अलावा आसपास के सभी स्टेट्स में भी जैसे पंजाब, हरियाणा, लुधियाना स्पेसिफिकली और बाकी जगहों पे, साथ ही साथ उत्तराखंड, ऊना, दिल्ली, यहाँ पे जो है रेड की और हम इनको आइडेंटिफाई करने में सफल हुए। फिर उसके बाद जो है हमको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और फील्ड के इनपुट से हमको इनकी लोकेशन और आइडेंटिफिकेशन का जो हमको पता चला, तो एसपी बद्दी और उनकी टीम की मदद से भी हमने जो है इसको फर्दर एनालाइज किया। अल्टीमेटली 14 अप्रैल को हमने चंडीगढ़ में 49 सेक्टर में एक फ्लैट को रेड किया था, जिसमें ऊना पुलिस के साथ साथ बद्दी पुलिस और चंडीगढ़ की पुलिस भी हमारे साथ रही और हमने वहां से 3 लोगों को अप्रिहेंड किया, जिसमें 1 महिला और 2 पुरुष थे। उसके बाद उनके पास से हमको 4 लोकल मेड वेपन यानी पिस्टल्स भी मिले, 98 राउंड लाइव एम्यूनिशन भी हमको मिला, साथ ही साथ 2,28,000 के आसपास जो है हमको कैश मिला और 6 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप और 1 एप्पल आईडी मिला और एप्पल टैबलेट मिला और उनको हमने फिर प्रोसेस वाइज अरेस्ट किया है और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू। सर, जो लोग पकड़े गए हैं क्या उनसे किसी बड़ी गैंग से मिले होने की आशा? देखिए, ये हमको अभी कोई हम इसमें डिनाई नहीं कर सकते इसको, इनके लोकेशंस जो हैं बार बार जगहों से मूव होती रहती थी, अलग अलग जगहों पे जाके रहते थे और जिस तरह से हमको इनका ऑपरेशन और काम का इनका तरीका लगा उससे ये लग रहा है हमको कि भी इनके और उनसे भी जुड़े होंगे, लिंक्स जुड़े होंगे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और इसमें हम इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। आने वाले समय में और गिरफ्तारियां इस मामले में होंगी? जी बिल्कुल, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जैसे मैंने कहा कंटिन्यूड है और इसमें और भी अरेस्ट एक्सपेक्टेड हैं और जैसे ही कोई और अपडेट होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से जितेंद्र कंवर के साथ मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। जिला ऊना के नामी शिक्षण संस्थान डीडीएम इंटरनेशनल स्कूल गोंदपुर बनहेड़ा अपर में नए सत्र हेतु दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गया है। स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र शर्मा ने बताया कि सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत
नर्सरी से प्लस टू कक्षा तक नॉन मेडिकल, मेडिकल एवं कॉमर्स संकाय में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गया है, जिसमें विद्यार्थी स्कूल आकर दाखिला ले सकते हैं। एडमिशन हेतु जानकारी के लिए उनके नंबर 9418118568 पर संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन होते ही विद्यार्थियों की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी, ताकि विद्यार्थियों का कोरोना वायरस की वजह से कीमती समय बर्बाद न हो। नरेंद्र शर्मा ने बताया कि स्कूल में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम के अलावा अत्याधुनिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी की लैब के साथ साथ ई लाइब्रेरी और योग्य एवं अनुभवी अध्यापक उपलब्ध हैं। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश एवं गुणवत्ता आधारित शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों का मुकाबला कर सके। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें